ये देखिए कितने बड़े बड़े जो हैं पेड़ हैं। सनलाइट ऐसी मिलेगी सुबह के 6 बजे। और ये यहाँ पे पेड़ यहाँ है तो ये है कुछ, तो ये बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ लगाए हुए हैं इस मंदिर के। ये देखो काफी बहुत जो है लार्ज एरिया, बहुत बड़ा, तो अंदर घूम सकते हैं, एक तरह का पार्क। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज मैं आपको काफ़ी अच्छी लोकेशन दिखाने वाला हूँ, वीडियो पूरा देखना, मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस ये देखिए, पहले तो आप इस जगह को देखिए, लोकेशन को देखिए, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। पहले तो आप ये देखिए यहाँ की खूबसूरती देखिए, ये देखिए कितने बड़े बड़े जो हैं पेड़ हैं। और चलिए मैं पहले आपको जो है यहाँ की पूरी लोकेशन दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए तो चलिए गाइस बिना देरी करते हुए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कौन सी जगह है ये। ये देखिए पहले आप, ये देखिए एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये है टेंपल। ये देखिए पहले इस टेंपल को देखिए, कितना खूबसूरत टेंपल है। और इस टेंपल की खासियत, पूरा लकड़ी का टेंपल है ये, हडिम्बा टेंपल इसको कहते हैं। देखिए ये हडिम्बा टेंपल है, और ये देखिए आप, इसका मैं आपको चारों तरफ से व्यू दिखा रहा हूँ। हडिम्बा टेंपल जो है ये काफ़ी अच्छा इसका जो है व्यू है, नज़ारा है। और अभी मैं गाइस आपको बता देता हूँ, मॉर्निंग के अभी 6 AM 6 बजे हुए हैं अभी जो हम शूट कर रहे हैं, मॉर्निंग के 6 बजे हैं अभी बिल्कुल। तो ये कुछ नज़ारा है ऐसा, अभी जो है सनलाइट ऐसी मिलेगी सुबह के 6 बजे। तो ये कुछ नज़ारा है, अभी 6 बजे भी आपको जो है यहाँ श्रद्धालु देखने को मिलेंगे इस मंदिर में, ये देख सकते हैं आप। और चलिए मैं आपको फिर से सामने से मंदिर के बारे में बताता हूँ, दिखाता हूँ। हडिम्बा माता टेंपल है ये, ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत टेंपल है ये, आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा लकड़ी का बना हुआ है, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है ये टेंपल, इसकी खासियत ही यही है। ये देखिए इसमें टाइमिंग आएगा नहीं आएगा, 3 2 1। और ये यहाँ पे पैरिल्स वगैरह ये भी लोग यहाँ जो है इस तरह का बना रहे हैं, तो लोग पूरे एंजॉय करते हैं यहाँ के। लोकेशन काफ़ी सुंदर है, तो इसका जो है मैं आपको चारों तरफ से बताता हूँ। ये देखिए ये एरिया है कुछ ऐसा, चलिए मैं कोशिश करता हूँ अंदर जो है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये गेट है यहाँ से, और यहाँ से जो है ये देखिए आप, ये देखिए लकड़ी की ये नक्काशी है। ये देखिए अंदर जाना हो तो यहाँ से आप जा सकते हैं। ये देखिए ये गेट है, लोग यहीं से जो है माथा टेक रहे हैं। ये है ये अंदर, यहाँ से आप यहाँ से अंदर जाएंगे, ये अंदर जो है माता के जो है चरण यहाँ हैं। और यहाँ से ये जो अभी आ रहे हैं, यहाँ से ये अंदर जाएंगे माथा टेकने के लिए, माता के चरण जो हैं यहाँ हैं। तो ये है कुछ, चलिए
यहाँ से सिर्फ इतना ही। और आपको अब मैं एक खास चीज़ बताता हूँ, आप ये देखो वीडियो में, ये आपको क्या लग रहा है कि ये, और ये जो है बिल्कुल ओरिजिनल इस मंदिर में लगाए हुए हैं। तो अगर इनको बताएं तो ये जो हैं, जैसे आप देखा होगा आपने हिरण, या ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, उनके सींग हैं शायद। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ लगाए हुए हैं इस मंदिर के, ये देखो, ये सारे आगे तक। खासियत मंदिर की पूरा लकड़ी का है, पूरी लकड़ी ही लकड़ी इसमें लगी हुई है, ये देखो, ये नज़ारा यहाँ से। और गाइस यहाँ से अगर आप ये देखो, और गाइस यहाँ से अगर आप जाते हैं इस रास्ते से, ये जो रास्ता जा रहा है नीचे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जाता है ओल्ड मनाली के लिए। ये रास्ता यहाँ से जाता है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस है, यहाँ वॉक इन है, और आपको क्लब हाउस भी इसी में ही मिलता है, आजकल वो बंद है। और ओल्ड मनाली के लिए है, तो जैसा ये देखो आप नज़ारा, तो ओल्ड मनाली के लिए मैंने आपको ये रास्ता बताया। तो ये टेंपल जो है, हडिम्बा टेंपल जो है, मनाली में है ये। ये देखो यहाँ से मैं आपको, ये देखो इस तरह का ये टेंपल है, ये देखो, ये है टेंपल, हडिम्बा टेंपल, और मनाली में है ये। तो मनाली से जब आप अपने सोलंग वैली के लिए जाओगे, तो वहीं से मनाली से लगभग 5 से 6 किलोमीटर से आगे आपको ये हडिम्बा टेंपल के लिए भी आपको रोड मिल जाएगा, तो आप इजीली यहाँ आ सकते हैं। और काफ़ी अच्छा मंदिर है, अगर आप मनाली में आते हैं तो आपको ज़रूर जो है यहाँ आना चाहिए हडिम्बा टेंपल में। तो मनाली में आप बाकी जगह भी घूमिए जो आप यहाँ एक्सप्लोर करने आए हैं, जो कि टूरिस्ट पॉइंट हैं, व्यू पॉइंट हैं, तो यहाँ आप हडिम्बा टेंपल में भी ज़रूर आएँ, ये भी एक टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं बहुत दूर दूर से। वैसे तो डोंगरी वन विहार, दो हिंदी में डोंगरी वन विहार, ये आप यहाँ से एंटर करोगे आप, तो ये अंदर जो है काफ़ी बहुत जो है लार्ज एरिया, बहुत बड़ा, तो अंदर घूम सकते हैं, एक तरह का पार्क, और भी कई तरह के पॉइंट आपको अंदर मिलेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा नज़ारा इस मंदिर का ये। और सुबह के 6 बजे हैं, देखिए अभी रोशनी काफ़ी अच्छी है, तो ऐसा नहीं कि वीडियो में लाइट उतनी नहीं आ रही है, वीडियो में काफ़ी अच्छी लाइट है। आई होप कि आपको लाइट में कोई कमी नहीं नज़र आ रही होगी, ब्राइटनेस अच्छी होगी इसकी। तो ये है कुछ मंदिर का नज़ारा, ये देखिए गाइस, ये मैं बता देता हूँ आपको यहाँ से, तो ये यहाँ से इस साइड से, ये देखिए लोगों ने जो है सुबह सुबह जो है फोटोग्राफी जो है शुरू कर दी है। और ये यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो मंदिर ज़बरदस्त है एकदम, ये गाइस मंदिर है, ये देखो। और यहाँ से ऐसे मंदिर को जाते हैं, मैं आपको ये देखो इस साइड से ये रास्ता है, जब आप आओगे तो ये रास्ता आ रहा है बाहर से, इस रास्ते से आप ऐसे आओगे, और ये मंदिर। तो गाइस चलिए यही था हडिम्बा माता के मंदिर के बारे में, टेंपल के बारे में, यहाँ ज़रूर आएँ जब भी मनाली आप आओगे। तो सभी को जय माता की।